स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, समाजसेवी, भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित और राजस्थान सरकार द्वारा समाज सेवा के लिए सम्मानित श्री दयाशंकर श्रोत्री आज हमारे स्टूडियोज में पधारे हुए हैं। श्रोताओं, आज हम आपको उनकी कुछ अतीत स्मृतियां सुनवाते हैं। श्रोत्री साहब नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। आपने तो भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, उस आंदोलन के कुछ संस्मरण आप सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को। जी हाँ, सारे भारतवर्ष में एक ही लहर थी, एक ही नारा था, अंग्रेजों को भारत छोड़ो। जी हाँ बिल्कुल, यही लहर थी। जी हाँ, उसके बाद में जिस वक्त में अहमदाबाद आश्रम में रहता था तो नमक सत्याग्रह चल रहा था जी। माणिक चौक और दानापीठ में जब मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग और युवक बहुत बड़ी तादाद में जी नमक सत्याग्रह में अपनी पुड़िया नमक के हाथ में लेकर और भाषण देते थे, हाँ। तो सार्जेंट लोग हाथ पे लाठियां बरसाते थे, फिर भी भैये और भाई और युवक और बुजुर्ग वो पुड़िया नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार मेरे मन पे ये असर पड़ा कि ये इतना ऊंचा और अखिल भारतीय कार्यक्रम है जी। ये प्रेरणा मुझको मिली। मैं उसके बाद अजमेर आया जी, चूंकि राजस्थान का रहने वाला था, हाँ। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, हाँ। विदेशी वस्त्रों के दुकानों पर धरने लगाए जी। उस वक्त हमारी ये स्थिति थी कि सार्जेंट लोग हमको बूटों से, ठोकरों से मारते थे जी। और इतनी पिटाई होती थी कि नाक से खून तक निकलता था। ओ, ओ, ओ। और उसके बाद में मैं अहमदाबाद के बाद इलाहाबाद, अजमेर, उदयपुर और इसवाल की जेलों में भी रहा। ओ, ओ। चारों तरफ यही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस प्रकार कई लोगों को तो ऐसा देखा कि एक की गोली लगी जी, उसकी एवज में दूसरा गोली खाने के लिए तैयार, तीसरा तैयार, और चार चार लोगों को एक साथ एक के बाद एक मरते हुए भी मैंने देखा है। हाँ, जाहिर है कि देश की आजादी के लिए उस समय हमारे ये सेनानी लोग कूद पड़े थे और आप भी उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। तो श्रुति जी, आपने जेल की यात्रा जरूर की है, आप अपनी जेल की कोई घटना याद है जो आपके मानस पटल पर अभी तक अंकित हो, जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, बताइए। बात यह है कि राजस्थान की परिस्थिति तो ऐसी है कि यहाँ राजाओं का राज था जी, सामंतशाह युग था जी, और जेल में जिस तरह से हम लोग जाते हैं तो डंडेदार बेड़ियां पहनाई जाती थी। हाँ जी। पैर भी हम चढ़ा नहीं कर सकते थे जी, बिछोने के लिए टाट पट्टी मिलती थी, खाने के लिए एक लोहे का खप्पर मिलता था, अच्छा, और कोई दूसरी पौष्टिक सामग्री तो खाने को मिलती नहीं थी, अच्छा, और फिर कभी कभी हमको चक्की भी चलानी पड़ती थी, और अगर चक्की न चलाए तो सजा भी मिलती थी। इस प्रकार जेल यातना है सही, कई लोगों के कोड़े लगते थे, कई साथियों को कालकोठरी में भी रखा जाता था। इस प्रकार कई ऐसे अनुभव हैं जो त्याग के हैं, और मगर कठिन से कठिन बात भी हंसते हंसते साथी लोग उठाते थे। जिंदगी में यही होना चाहिए कि आदमी संकटों को, मुसीबतों को भी हंस करके ही झेल ले। श्रुति जी, इस समय तो आप शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर से महिला शिक्षा की ओर अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपको इस महिला शिक्षा को आरंभ करने में कैसे प्रेरणा मिली, कब मिली, किसने दी, और इसे आरंभ करने में कुछ कठिनाइयां भी आपको आई होंगी, वो जरा आप हमें बताइए। मैं साबरमती आश्रम में बापू की सेवा में 3 वर्ष रहा हूँ। अच्छा अच्छा, महात्मा गांधी के साथ रहे हैं आप जी। तो मुझे ये पूछा जाता था कि तुम भविष्य में क्या सेवा करना चाहते हो जी। मैं यही निवेदन करता था बापू से, मुझे किसानों के काम में रुचि है, हाँ। हरिजनों की सेवा में रुचि है जी, महिलाओं के शिक्षा दीक्षा में रुचि है, अच्छा। तो मुझे यही काम मिला कि महिलाओं की सेवा का काम कठिन है, यही तुमको लेना चाहिए, अच्छा। इसलिए महात्मा गांधी से ये प्रेरणा मिली। अच्छा अच्छा। और जब मैं राजपूताने में आने के लिए तैयार हुआ जी, तो गांधी जी 3 उंगलियां बताते थे, अच्छा। गुजरात,
राजपुताना और मध्य भारत जी, इसके बॉर्डर पर 1 करोड़ के करीब आदिवासी रहते हैं जी हाँ। इनकी सेवा का काम तुमको दक्षिण राजस्थान में बैठ के करना चाहिए जी हाँ। इसलिए मुझको प्रेरणा मिली। जब मैंने उदयपुर में महिला सेवा का काम आरंभ किया जी, तो यहाँ बड़ा सज्जड़ पर्दा था। अच्छा, बहनें घूंघट में थी रहती थी जी, बिना घूंघट की तो एक भी बहन नहीं मिलती थी। अच्छा, और जो बहनें कुछ बड़े घरों की पढ़ने के लिए आती थी जी, तो तांगे के भी पर्दा लगा के आती। ओहो, यानी कितना सख्त पर्दा हुआ जी हाँ। और जो छाता लगता था वो भी नीचे पैरों तक कपड़ा रहता था। इस प्रकार कुछ महीने ऐसी भी देखी कि जो पंचायत दौरे में भाषण सुनने के लिए जाती जी, धार्मिक भाषण जी हाँ, तो उनके ऊपर एक चद्दर डाल दी जाती और एक बहन उस चद्दर में 15-20 जो बहनें होती उनको ले जाती थी। इस तरह का पर्दा यहाँ राजस्थान में था। देखिए, आपकी बात से ही एक बात और निकलने लगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस मेवाड़ में आपने इस पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए महिलाओं को किस प्रकार प्रेरित किया, जरा ये अनुभव भी आप हमें बता दीजिए। यहाँ महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने अलग अलग मोहल्लों में जी 12 केंद्र स्थापित किए। अच्छा, बड़ी कठिनाइयां हमको हुई जी, पढ़ाने वाली बहनें नहीं मिलती थी जी हाँ, और सास और बहू भी साथ साथ पढ़ने लगी। अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। माता और बेटी भी साथ पढ़ने लगी जी। इस प्रकार हमने प्रौढ़ शिक्षा का काम आरंभ किया। इसमें काफी कठिनाइयां आई, कई मोहल्लों में विवाद और भैंसे भी होती जी, हमारी बहनों को क्यों आप बिगाड़ते हैं, इस तरह की बातें भी सुनने को जी हाँ। मगर बहनें भी बहुत सारी ऐसे प्रश्न करती जो कभी कभी बहुत ही काफी रोचक होते हैं अपने आप में। वो कहती कि एक ही घर में 2 कलम नहीं चाले सा। अच्छा, माने बहन कहीं चित्तौड़ किलो जीत कहीं। अच्छा अच्छा जी हाँ, इस तरह की बातें आपके सामने हाँ। आती। मोहल्ले में जो रात्रि पाठशालाएं चलती जी, उससे हम लोग बहनों के संपर्क में आए। फिर हम ऐसा है कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्य जब हमने आरंभ किया जी, तो आरंभ में हमने केवल पुस्तकों का ही आधार नहीं लिया। अच्छा, कुछ तो धार्मिक दृष्टि से भजन आरंभ किए। अच्छा, रघुपति राघव, राजा राम, पति पावन, सीताराम जी, और बड़े बड़े स्टेंसिल कटवा करके बहने जो पानी भरने जाती थी वो नल नहीं होते थे तो रास्ते में वो पड़ती जाती थी। और हमारा संगीतज्ञ 5-6 बार संगीत में ये पद्य बोलने के बाद हम मैजिक लैंटर्न से रे बताते, ये रघुपति का रहा है। अच्छा, ये राजा का रहा है, ये राम का रहा है। इस प्रकार हमने गीतों से भजनों से साक्षरता का काम आरंभ किया, प्रौढ़ शिक्षा अच्छा, का अच्छा। काम आरंभ किया और वो बराबर लिखते रहते थे और इससे वो काम चला। फिर हमने पुस्तकें भी प्रौढ़ शिक्षा की छपवाई। अच्छा हाँ, ये ईच वन टीच वन के आधार पर एक बहन 5 बहनों को पढ़ाए, एक बहन 1 बहन को पढ़ाए, इस तरह से साक्षरता के आंदोलन किए। अच्छा, उसमें भाइयों ने भी हमारी बड़ी मदद की जी हाँ। मगर पुस्तकालय का भी हमने आरंभ किया जी। तो फिर तो हमने पुस्तकालय सप्ताह मनाना शुरू किया। अच्छा अच्छा हाँ, हर घर से एक एक अच्छी पुस्तक मांगने की अपील हमने की। उससे हमारे यहाँ करीबन 36,000 पुस्तकें पुस्तकालय में एकत्रित हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पुस्तकों के लिए भी आपने इस तरह से काम शुरू किया और आज इतने बड़े काम को आपने आगे बढ़ा लिया। अब ये बताइए कि जैसा अभी आपने कहा आदिवासी कन्याओं के लिए शिक्षा का कार्य आरंभ आपने किया है, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसमें किस तरह से आप काम कर रहे हैं? हमारे संस्था की महिला मंडल की अध्यक्षा रामेश्वरी नेहरू हुई जी, तो और उन्होंने हमको आदिवासी बहनों और हरिजनों बहनों की सेवा का व्रत लिया जी, तब वो अध्यक्षा बनी। अच्छा, फिर वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की भी अध्यक्षा थी जी, वहाँ भी कमेटी में थी। इस वजह से हमको मावली तहसील का प्रोजेक्ट मिला बच्चों और महिलाओं का जी। ऐसी स्थिति में हमने गांव में बिलवाड़ा जिले में सुवर्णा ग्राम है वहाँ, और मावली तहसील में बीजनवास गांव है वहाँ हमने प्रौढ़ शिक्षा का काम आरंभ किया। अच्छा, हमारा कैंप लगा जी, लगभग 40 भाई बहन 1 महीने तक वहाँ रहे जी, और सारे गांव को साक्षर किया।
उसकी पद्धति हमने थोड़े अनोखे ढंग से की। अच्छा। सुबह हम दतौन करते तो हमारे जितने भी दतौन होते हम उनको इकट्ठा करके रख देते जी। और चाय मिलती तो हमारे कुल्हण को भी हम संभाल के रखते। अच्छा। जब हमारा एक महीने का कैंप समाप्त हुआ जी। तब हमने निरीक्षण की दृष्टि से, मूल्यांकन की दृष्टि से जी हाँ। हर घर पर जितने भी लोग उस घर में हैं हाँ। उन्होंने अपने हस्ताक्षर अपने मकान के बाहर किए हमारे हाँ। दतौन और कुल्हड़ में जो रोशनी थी उससे, मतलब न तो हमको ब्रश लेना पड़ा, न हमको दवात लेनी पड़ी, न हमको रोशनी लेनी पड़ी। और एक प्रकार से साक्षरता आंदोलन सफल हुआ या असफल उसका निरीक्षण भी हो गया। इन अतीत स्मृतियों के आधार पर आने वाले भविष्य के संबंध में जो कहना चाहते हैं, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। जी हाँ, बहुत जरूरी है। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि जिसमें नौकरी के लिए नहीं भागना पड़े, उद्योग धंधे हो जी, जितने भी नागरिक हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सके जी। टेक्निकल ट्रेनिंग की खास तौर से बहुत बड़ी बात है, वही हमको करना चाहिए। और चरित्र निर्माण जो हमारे मुल्क का गिर गया है, इसको उठाने के लिए भी हमको बहुत अच्छे शिक्षकों की भी आवश्यकता है। बहुत सही। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, हमको कठिनाइयों से नहीं डरना है जी। हमारा तो नारा है, कहारिये न हिम्मत बिसारिये न हरे नाम जी, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री दयाशंकर श्रोत्री जी कि आप यहाँ पधारे और आपने अपने अतीत की स्मृतियाँ हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखीं।